हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप आपकी डीडी प्रेडिश पर सोनी पलिट चैनल को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी फ्रिक्वेंसी लेकर आए, जिस फ्रिक्वेंसी के जरिए आप आपके डीडी प्रेडिश पर इस चैनल का मजा दोबारा से ले सकते हैं। तो दोस्तों, वह फ्रिक्वेंसी कौन सी है यह जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें, और अगर आप हमारी चैनल पर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आपको यह फ्रिक्वेंसी अप्लाई करने से पहले आपकी डीडी प्रेडिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, जिसके लिए आपको पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। सिस्टम सेटअप पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए आप आपकी डीडी प्रेडिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में यदि P2M दिखाई दे रहा है तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर P2P कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे अपग्रेड टाइप में आ जाना है। अपग्रेड टाइप में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर कोड या लोगो दिखाई दे रहा है तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर ऑल कर देना है। आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P रहने देना है और नीचे अपग्रेड टाइप में आपको ऑल रहने देना है। जिसके बाद आपको नीचे स्टार्ट पर आके आपके रिमोट का ओके बटन दबा देना है। ओके बटन दबा देने के बाद अब आपके डीडी प्रेडिश का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करना है, जिसके बाद आपके डीडी प्रेडिश का सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। डीडी प्रेडिश का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद अब मैं आपको एक फ्रिक्वेंसी बताने वाला हूँ, जिस फ्रिक्वेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको मेन मेनू में आ जाना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। प्रोग्राम सेटअप में आ जाने के बाद आपको ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर मैं जो फ्रिक्वेंसी बताने वाला हूँ उस फ्रिक्वेंसी को सेम टू सेम अपने डीडी प्रेडिश पर टाइप करके अप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पर LNB फ्रिक्वेंसी में 09750 09750 एंटर करना है। LNB फ्रिक्वेंसी इंटर कर देने के बाद नीचे ट्रांस फ्रिक्वेंसी में आपको 51230 एंटर कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर ट्रांस फ्रिक्वेंसी में 51230 इंटर कर देना है। जिसके बाद नीचे सिंपल रेट में आपको 29500 इंटर कर देना है। कॉलर रेट में आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसे आपको वी कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर 22K में ऑन कर देना है और उसके नीचे ऑफ कर देना है। वोड में यदि आपको ऑल दिखाई दे रहा है तो उसे आपको फ्री कर देना है। जिसके बाद इस फ्रिक्वेंसी को दोबारा से चेक करके आपको इस फ्रिक्वेंसी को अप्लाई कर देना है। फ्रिक्वेंसी को अप्लाई कर देने के बाद अब आपके डीडी प्रेडिश पर चैनल लोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आपके डीडी प्रेडिश पर पूरी तरीके से चैनल लोड होने देने हैं। जिसके बाद आपके डीडी प्रेडिश पर पूरी तरीके से चैनल लोड हो जाते हैं तो उसके बाद अब आपको आपके डीडी प्रेडिश पर दोबारा से यह चैनल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आपके डीडी प्रेडिश पर इस चैनल को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि कैसे आप आपके डीडी प्रेडिश पर दोबारा से इस चैनल का मजा ले सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आप तक हमेशा हमारे इसी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।